नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज के वीडियो में आप देखेंगे, आप लोगों के द्वारा बहुत सारे वीडियो भेजे गए, मैं उनका रिप्लाई देने जा रहा हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई अस्सलाम वालेकुम, महसूस भाई, मेरा नाम खालिद है और मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। मैं आपको, ये मेरा मुर्गा है, मेरे साथ जो है 300 बच्चे हैं मुर्गी के, और ये मुर्गा है। ये जो है दो दिन से देखा ज़रा सुस्त हो गया ऐसा दिखा। सुनिए महसूस भाई, तो ये इसको अलग लेके आके रखा हूँ। अभी ये जो है, ये इसकी ब्रीड है, ये देखिए, ये देखिए। अभी इसको मैं लेक्सिन पाउडर पिला रहा हूँ, और उसके साथ जो है लेक्सिन पाउडर के साथ थोड़ा मल्टी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और अपने थोड़ा हल्का गर्म दिखा तो थोड़ा सा पैरासीटामोल डाला। ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है महसूस भाई मेरे मुर्गे को? खालिद मियाँ, आप भी समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, R2B का वैक्सीन नहीं करते हैं। ये रानीखेत है, रानीखेत के लिए स्क्रीन के सामने आप देखिएगा आर्डिजोन, यह दवा रानीखेत बीमारी के लिए बनाई गई है। मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि रानीखेत बीमारी का वैक्सीन ही अति उत्तम उपचार है। अब आप इसको इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए, और इस मुर्गे का वीडियो वायदे के साथ मुझे डालना, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद क्या रिज़ल्ट आते हैं ये आप मुझे बताएंगे। सर जी सत श्री अकाल, मैं पंजाब तो गुरदीप सिंह बोल रहा हूँ। सर जी, ये मेरे केक्स है जी 2 महीने दे, इन्हां दे विचों कुछ बच्चे सर ब्लैक रंग की बैठ कर रहे हैं, बिल्कुल जेड ब्लैक। ये कोई बीमारी है या वैसे कुछ खाने पीने के हिसाब से कुछ हो गया? वैसे खा पी सही रहे हैं, बढ़िया घूम फिर रहे हैं, 80 बच्चे हैं, कोई सुस्त नहीं है, सब ठीक ठाक तंदुरुस्त हैं। जब भी मुर्गियां जेड ब्लैक एकदम काली बीट करें तो वो तंदुरुस्त रहती हैं, मगर वह भी एक रोग है। तो स्क्रीन के सामने मेडिसिन है सेप्टिमा, पहली मेडिसिन ये है, और उसके बाद दूसरी मेडिसिन आपके स्क्रीन के सामने है रेमी प्रो। ये दोनों मेडिसिन आपको अमेज़ोन में मिल जाएंगी। वैसे तो मैं किसी भी मेडिसिन का प्रचार नहीं करता हूँ, और अगर यह मेडिसिन आपके घर तक पहुँचने का दूसरा ज़रिया एक और है, कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप स्क्रीन शॉट ले कर व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो ये आपके घर तक पहुंच जाएंगी। तीसरा तरीका यह है कि आपके स्क्रीन के सामने ये पाउडर दिख रहा है बिफिलैक, 5 ग्राम का पैकेट है ये, इसमें पाउडर आएगा। 5 मुर्गियों के लिए 5 ml पानी में घोल के, और 1-1 ml सीरीन से मुर्गियों को पकड़ के चोंच खोल के ऊपर से पुचक दीजिएगा। 3 दिन देना है ऐसा। और ज़्यादा मुर्गियां हैं तो आप मापदंड लगा लीजिए कि आपको कितने पैकेट लगेंगे। बहुत महंगा भी नहीं है, हर जगह भी मिल जाता है। भैया नमस्ते अंकल, कैसे हो? देखिए ना, ये मेरा कड़कनाथ का कोई बच्चा है, तो चूजे है, सब कोई खा रहा है मगर ये खा नहीं रहा है, ये एकदम पूरा चल नहीं पा रहा है, शरीर में ताकत नहीं है। देखिए ना कैसे, मतलब जैसे कि दारू पी लिया है, सिर घूम रहा है, देखिए खा नहीं रहा है एकदम से। थोड़ा इसका इलाज बताइए ना, एकदम नहीं खा रहा है। बेटा होता ये है कि 100-200 बच्चे खरीदो तो 1-2 बच्चे बहुत छोटे आते हैं, और बहुत छोटे आने के बहुत सारे कारण हैं। अगर इस कारणों को गिनाएंगे हम तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट में ये है कि उस बच्चे को अखबार बिछा के अलग रखो, दाना पानी हाथ से खिलाओ या वहाँ रख दो, और बीट चेक करके कल बताना। सर हमारी मुर्गी को प्रॉब्लम है सर, मुर्गी देखिए, ये मुर्गी है एकदम खामोशी रहती है, और सर ऐसे एक दिक्कत भी है, ये देखिए इसकी बीड, ऐसी बीड है इसकी, तो इसने एक बार नहीं यहाँ पर भी किया है, ये देखिए। एम्प्रोलियम सुपरकॉक्स या कंप्रो एच, ये 3 पाउडर में से कोई एक पाउडर एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम छोटे वाले चम्मच में घोल के पिलाइएगा, मुर्गी स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है सर, ये मेरा मुर्गा है जो बार बार सर दौड़ रहा है, पता नहीं क्यों सर ये बार बार दौड़ रहा है। सर सर बताइए तो क्या बीमारी, इसका इलाज क्या है सर बताइए तो।
एक चीज़ तो मैं आपको समझा दूं कि 10 साल के अनुभव में मैंने कभी कोई ऐसा रोग नहीं देखा, ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी जिसमें मुर्गी भागती हो, दौड़ती हो। एक बार हमारे फार्म में भी ऐसे ही होता है, एक मुर्गा बहुत दौड़ रहा था, बारिश के दिन थे, तो मैंने मुर्गे को पकड़ के जब बारीकी से चेक किया तो एक लाल चींटी चिपकी हुई थी, जिसको गाँव में दुर्गाची कहते हैं, उसको निकाल लो आप भी। तो भैया अब कर दीजिए वीडियो को लाइक, नहीं तो यही चींटी आपके फार्म में भी भेजूंगा। यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाया करता हूं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।